बंद करके तैबा को जा रहे हैं, वो आँख बंद करके तैबा को जा रहे हैं, वो आँख बंद करके तैबा को जा रहे हैं, वो आँख बंद करके तैबा को जा रहे हैं, वो आँख बंद करके तैबा को जा रहे हैं, वो आँख बंद करके तैबा को जा रहे हैं, वो मसलके आला हजरत ज़ियारत हरमैन शरीफ है शहरे इस्लाम जनाबे नदीम रजा फैजी, नारे तकबीर। आंख बंद करके तैबा को जा रहे हैं, वो आंख बंद करके तैबा जो याद मुस्तफा में, जो याद मुस्तफा में आंसू बहा रहे हैं, जो याद मुस्तफा में आंसू कुछ नहीं होगा, बॉक्स उड़ेगा कुछ अच्छा है ना, हाँ सुनाता हूँ शेर, संभाल कीजिए, सुनिएगा आंसू बहा रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, एक बार कह दे या हुसैन और मोहब्बत से कह या हुसैन, या हुसैन आंसो बहा रहे हैं कि मरते रस्ते में मरने वाले, मरते नहीं खुदा के रस्ते में मरने वाले, मरते नहीं खुदा के
हंसते ने मरने वाले अरने से ते इबन हैदर से ते इबन हैदर शेर भी है तमाम नौजवानों के हवाले से। कालाजर में इतने नौजवान मौजूद हैं, नौजवानों के हवाले से और खास तौर पर ये शेर मंत्री साहब के हवाले से आप तक पहुंचाता हूं। कहते हैं सुभान अल्लाह, मोहब्बत से कहें, ये मोहब्बत से है, ये मोहब्बत है, और मोहब्बत से कहें, माशाल्लाह। सुनिएगा शेर, जो याद मुस्तफा में आंसू बहा रहे हैं कि रोजाना अपनी माँ से मोहब्बत करने वाले कभी खामोश नहीं बैठ सकते, माँ से मोहब्बत करने वाले कभी खामोश नहीं बैठ सकते। सुना दो शेर, के रोजाना अपनी माँ के तलवार काले के बोसा की वादियों में, जन्नत की वादियों में हम घर बना रहे। क्या बात है, वाह! नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। क्या बात है, वाह! के रोजाना अपनी माँ के तलवार काले के बोसा जन्नत की वादियों में हम घर बना रहे हैं। जन्नत की वादियों में हम घर बना रहे हैं, हम घर बना रहे हैं। एक शेर और समाप्त कर लें, और बड़ा ही खूबसूरत शेर है, समाप्त कर लें। वो हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में सुना दे, सुना दे, कह दे सुभान अल्लाह। आंसू बहा रहे हैं के जय पा बहुत अच्छे शेर समाप्त करें। वो खाना खाने के लिए जा रहे हैं, है ना, अब फिर वो आएंगे, आप घबराइए मत, वो जा रहे हैं, फिर आएंगे खाना खा के, तो आप घबराइए मत। शेर सुन लें, आप शेर सुन लें, के जय पा
जय पाल जो की आकर है चरणों पे गिर पड़ा है, जय पाल जो की आकर है चरणों पे गिर पड़ा है। अरे जूती से जब कराम जो के से जब कराम फाजा दिखा रहे जो दे से जब कराम फाजा दिखा रहे सुना दे। आजी साहब के हवाले से मतलब पढ़ता हूँ।